ये वाला वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी एंड वी गोइंग स्कूबा डाइविंग इट्स कॉल्ड बाया एंड द होल सिटी इज बरीड अंडर वाटर इस रेड बटन को दबाने से हवा ऑक्सीजन सिलेंडर से जैकेट में आती है और आप देख सकते हो ये जैकेट इन्फ्लेट हो जाती है और इन्फ्लेट होने से ये फ्लोट करके रखती है और इस ग्रे बटन को दबाने से ये डीफ्लेट होती है तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है जैकेट में कितनी हवा भरी है उससे और यहाँ पर एक वेट बेल्ट है जो नीचे जाने में मदद करती है अगर कोई इमरजेंसी आई तो इस वेट बेल्ट को निकाल के नीचे फेंक सकते हैं और हम एकदम से ऊपर उठ जाएंगे हमने डाइविंग ख़त्म कर ली है बहुत भूख लग रही है कहीं खाने की जगह ढूंढ में खाने जा रहे हैं आप लोगों को वैसे पता ही होगा कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मैं बहुत टाइम से डाइविंग करते आ रहा हूँ मैंने एडवांस्ड लेवल का सर्टिफिकेशन ले रखा है स्कूबा डाइविंग में करीब 20 डाइव्स ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ लेकिन जो शहर हम देख रहे थे नीचे वो फैक्ट चेक करना चाहूँगा मैं उस चीज़ को वो किसी वोल्केनो की वजह से नहीं डूबा था वो सेसेमिक शिफ्ट्स हुए थे जो शहर ये पानी के अंदर था सेसेमिक ओके साइज़मिक तो कुछ साइज़मिक शिफ्ट हुए थे 2000 साल पहले जिसकी वजह से ये रोमन एम्पायर में ये बहुत फेमस सिटी हुआ करती थी ये पानी के अंदर डूब गई तो जो हम पानी के अंदर देख रहे थे इस शहर के अंदर उस जमाने में कुछ लग्जरियस विलाज हुआ करते थे अमीर लोगों के तो जो हम स्पेसिफिकली जिस साइट पर डाइव करने गए थे वो उन विलाज में से एक था और जो हम देख रहे थे कुछ थर्मल बाथ्स हमने देखी और कुछ पेंटिंग्स बनी हुई थी वो उस जमाने का व्हाट वाज द टू मेन दैट वर देयर ओ या इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो दो एशियन आदमी थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे ये हमें दिखाता है कि रोमन एम्पायर के उस जमाने में 2000 साल पहले वो एशियन फाइटर्स को उन्होंने अपने एम्पायर में बुलाया होगा एज अ स्पोर्ट देखते होंगे वो हम इतनी दूर चल के एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढने आए थे जो कि मैप में देखा था और अब पता चला कि ये क्लोज है यहाँ पर I think for me no potatoes. I think I want more vegetables. I'm happy with more vegetables. चांस की बात है यहाँ पर 200 मीटर दूरी एक और वीगन रेस्टोरेंट था रेस्टोरेंट में काम करने वाला बंदा बहुत ही भरोसेमंद आदमी निकला हमारे पास पैसे नहीं थे कैश नहीं था तो पे करने के लिए वो कार्ड एक्सेप्ट कर नहीं रहा था हमने खाना खाया आराम से उसने कहा कोई दिक्कत नहीं पहले खाना खा लो उसके बाद एटीएम में चले जाना पैसे ले आना हमारी मर्जी होती तो हम जा भी सकते थे मतलब
दुकान से निकल के वापस ना आते, लेकिन उसने हमारे ऊपर भरोसा किया। ये क्या लगा यहाँ पर? उन इडिया दी इंडिया, इसका मतलब है एन आइडिया फ्रॉम इंडिया। फोटो एग्जीबिशन थी इंडिया के बारे में। अब बंद हो गया है, कैसे अंदर जाने नहीं दे रहे। वैसे सच बताऊं दोस्तों, आज जो स्कूबा डाइविंग थी वो हमें काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। हम और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ वैरायटी दिखेगी फिशेस में, एनिमल लाइफ में, पानी के अंदर, लेकिन देखने को सिर्फ कुछ गिनी चुनी मूर्तियाँ मिली और कुछ पत्थर पड़े हुए मिले, जो एक्चुअली में अंडर वाटर सिटी आप इमेजिन करोगे कि देखो अटलांटिस अंडर वाटर सिटी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी हम शाम को शहर में घूम रहे हैं, कुछ पब्लिक स्पेसेस हैं यहाँ पर शहर में, और देखते हैं रात का खाना कहाँ पर खाना है। सोच रहे हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट में खा लें। What you see over there, guys, this is the famous volcano. It's called in Italian, they call it Vesuvio, and it's still active. It's, I think, one of the most dangerous volcanoes in the world, or in Europe for sure. इटालियन गवर्नमेंट का एक इवैक्यूएशन प्लान है इस शहर में रहने वाले सारे 1 मिलियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने का, अगर इस वोल्केनो में इरप्शन होती है तो। लेकिन इस प्लान में इन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते का समय इन्हें चाहिए। और जो भी हमने पढ़ा इस वोल्केनो के बारे में अभी तक, साइंटिस्ट का मानना है कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है कि किसी भी वोल्केनिक इरप्शन से पहले 2 हफ्ते पहले साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर पाएँ कि एक वोल्केनिक इरप्शन होने वाली है। तो ये प्लान इतना रिलायबल नहीं है। तो ये वो इंडियन रेस्टोरेंट है दोस्तों, जहाँ पर हमने खाना खाया। और समीर, इस रेस्टोरेंट यू द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट? यस यस। समीर केरला से है। थोड़ा हमें नेपल्स के बारे में बताओ, कैसा है ये शहर नॉर्मली? यार थोड़ा मुझे लगता है केरला जैसा ही लग रहा है, केरला जैसे ही लग रहा है। कोविड-19 की वजह से कुछ अफेक्ट हुआ आपके बिजनेस? बहुत अफेक्ट हुआ। और गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया। किस तरह से सपोर्ट किया? और रेंट के हिसाब से 60% रेंट वापस जो टैक्स के इनाम जो आएंगे, और घर का भी किराया जो ऐसे दिया, और कूपन दिया हर हफ्ते का 100 रुपये का, 100 यूरो का परचेज का इंडिया में मिला। यहाँ पर भी हमको इतना तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन बिजनेस अभी नहीं जा रहा है कि लोग आप देखे ना, खाली पड़ा था, सिर्फ आप रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा था, कोई था नहीं। लेकिन आपका खाना बहुत अच्छा था। ये घी राइस इनके रेस्टोरेंट का नाम है, अगर आप लोग कभी नेपल्स आओ तो। Vi invitiamo ad occupare il posto a voi assegnato e a regolare il volume dei vostri dispositivi elettronici nel rispetto degli altri viaggiatori. पहले हमने प्लान किया था कि हम पोम्पा जाएंगे, लेकिन वो प्लान हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि स्कूबा डाइविंग करते वक्त हमने बहुत सी अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल साइट्स देख ली और आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं देखी हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने अगले शहर में, रोम में, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं देखती हैं, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं देखती हैं, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स नहीं देखती हैं। अब हम जा रहे हैं रोम। But why are the gates like airport or something? चले चलो। तो दोस्तों अब हम रोम में आ गए हैं, और मैं 0.5x वाइड लेंस यूज कर रहा हूं। आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद आपने कहा था मेरा चेहरा ज्यादा दिखता है, सराउंडिंग्स नहीं दिखती। तो देखो अब सराउंडिंग्स को, बहुत ज़्यादा जलती हुई गर्मी है यहाँ पर, नेपल से भी ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे जो फर्स्ट इम्प्रेशन है रोम का, उतनी साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पर। नेपल से थोड़ा ज़्यादा साफ़ है, लेकिन वेनिस में और नेपल्स और रोम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा लगता है ये 2 अलग-अलग कंट्रीज़ हैं बिल्कुल।
entry closes at 6 p.m. and it's too late now to go in. We can go in tomorrow. Yeah, tomorrow we can go in. Yeah. How do you like it though? I thought it would be even bigger. I don't know. It is so big. It's like in our floor sizes, it's almost like 10 floors high. Yeah, but I thought it would be even bigger. I don't know. Okay, the interesting thing about this is apparently it's not only a water fountain for still water, but also for sparkling water. How cool is that? Unfortunately, I don't like drinking sparks. Maybe you do. Do you? I prefer still, but sometimes I like it. Can I try? You can. How cool is that? Do you have vegetarian things? Like pasta? Anything vegetarian? Yeah. Yes, or pizza? Vegetarian? Yeah. Anything except pizza and pasta? बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला है हमें यहाँ पर, लेकिन मैंने जो डिश मंगाई है, मैंने पास्ता मंगाया था चीज के साथ, लेकिन लग रहा है इन्होंने चीज गिरा कर दे दी है पूरी की पूरी। इस पास्ता का नाम एक्चुअली में रावियोली है और अंदर इसके जो फिलिंग डली है वो स्पिनिच की फिलिंग डली हुई है। काफी टेस्टी है, वैसे दिखने में इतना टेस्टी नहीं लग रहा, और क्योंकि मैंने क्वात्रो फोर्माजी मंगाया है फोर चीज, तो इसलिए इतनी सारी अलग अलग टाइप की चीज इसमें डली हुई है। यहाँ पर ये हाथों में भविष्य पढ़ने वाले लोग बैठे हैं साथ में, ये सब लोग अलग अलग भाषा में आपका हाथ पढ़ेंगे और भविष्य बताएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जो वेनिस में महंगे महंगे ब्रांड्स हमने दिखाए थे वो खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये डुप्लीकेट सामान ज़रूर आप खरीद सकते हैं यहाँ पर। Voglio sapere se questo amore sarà sincero, sarà con tutto il cuore.